पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों कहा गया कि पराली साड़न दे मसले ते सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूरे उत्तरी भारत दा मसला है, इकल्ले पंजाब दा ही नहीं। तो उन्होंने बीजेपी ते एक बार फिर तो निशाना साध्या। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें दी जो पराली को बीच में ही जमीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। PAU ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की कैप ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहां जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाते हैं। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं वहां पे बार बार हमने वहां गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है धुआं उठ रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को उस सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया, बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। लेकिन अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। तो हमने अभी क्योंकि समय कम था, फिर भी हमने बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, उलहरागागा के पास माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी वहां पे आए थे, उद्घाटन किया। वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़ सिर्फ, क्योंकि पंजाब में 75,00,000 एकड़ में धान की बुआई होती है, तो एक से तो काम नहीं चलेगा। ऐसी हमें पीसीओ कंपनियां चाहिए, पराली से बिजली बनाने वाली कंपनियां, पराली से CNG बनाने वाली कंपनियां, बहुत कुछ लेटेस्ट आ गया। हम आपसे ये वादा करते हैं अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। चाहे तो हमें पंजाब में इतनी फर्टाइल धरती है, कुछ भी बीज सकते हैं, बस MSP मिल जाए। चाहे तो हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फसलों की अदला बदली में। धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती वाला। तो जिम्मेदारी लेते हुए बींगे
हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही है जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसमें ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, बहुत अभी मैंने 75 लाख एकड़ बोला है, 35 लाख एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती है। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर एक एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल सरकार को मिलकर बैठना चाहिए, ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नहीं भी आए होंगे IQI में, AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूँ और जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी, बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर हम अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो और कम हो, अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो या को पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको, अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है, अगर किसी ने कर पर्चे दर्ज नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी पराली जल गई, जब ज़्यादा पर्चे दर्ज के लिए इसका मतलब ये। तो मेरा मतलब ये है किसान को ये भी ना लगे कि मैं अपराधी हूँ, किसान को अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता ही रखना है। इतने वेला हो गया एक होर छोटी जी ब्रेक का, ब्रेक दो पार सुना बीजेपी के वलों पराली साड़न के मसले को लैके आम आदमी पार्टी बारे की कहा गया। पराली साड़े जाने के मसले से सियासत भी खूब हो रही है, पंजाब तो लैके दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। एक पासे अरविंद केजरीवाल के वलों ऐलान किया गया तो दूजे पासे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरिया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपने सुना है ना आज कि पॉल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा, हवा में इतना पॉल्यूशन है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, भूपेंद्र जी ने कहा है, और भूपेंद्र जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमें स्पर्श करता है हृदय को और डराता है। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है पराली जलाने में, 34%, एन इंक्रीज ऑफ 34%। और वहीं जहां हमारी सरकार है हरियाणा में, मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कि वहां 30.6% की गिरावट है। आप देखिए केवल आज में ही 3634 आग जल रही है पराली की पंजाब के अंदर, और 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को और अन्य सरकारों को दिया है, क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट के लिए, जिसमें पंजाब ने 1,20,000 मशीन खरीदा, और आपको जान के आश्चर्य होगा लगभग 12,000 मशीन गायब हो गया, चोरी हो गई, पता नहीं कहां चला गया, मिल ही नहीं रहा। विगत वर्ष ये जो 1350 करोड़ सेंटर ने दिया था उसमें से 212 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने खर्च नहीं किए, इस वर्ष मोदी जी की सरकार ने पंजाब को पराली मैनेजमेंट के लिए 280 करोड़ दिए हैं, खर्च नहीं हुए 212 करोड़ रुपए,
इस वर्ष दिए 280 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 492 करोड़ रुपए, 492 करोड़ रुपए उसका कुछ नहीं किया गया है, अगले साल करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। अरविंद जी, ये बच्चों के जान के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं ये उचित नहीं है। जब यहां मैं आ रहा था ट्विटर पे, ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सारे पुराने वीडियो भी उभर कर आ जाते हैं, और जब उन्हें हम देखते हैं तो जो अरविंद केजरीवाल जी की हकीकत है उसका मालूम पड़ता है। तो ऐसा ही एक वीडियो आज पूरे देश में चल रहा है, मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम आज तैयार नहीं है स्क्रीन पे, मगर मैं अपने मोबाइल पे जरूर दिखाऊंगा कि क्या से क्या हो गए ये लोग। ये आप लोग सुनिए और देखिए और समझिए कि आखिर सर जी हैं क्या चीज। पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं, दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है, ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब मैं वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं, हम भी नहीं लगाना चाहते। कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव, उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार, क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे, रेडी मार्केट है। पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको, पराली से गत्ता बनता है। मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था, मुझे पता था कि 10 अक्टूबर। अरविंद जी, आपको हमने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि आपने कहा है पराली से तो सोना बनता है, पराली से गत्ता बनता है, पराली से बिजली बनती है, और ये सब रेडीमेड फैक्ट्री तैयार है पंजाब के अंदर। अभी कहा ना कि रेडीमेड फैक्ट्री है, खाली किसी को पराली उठा के लेके वहां देना है। ये तो निकम्मी सरकारें हैं जो जाके पराली देती नहीं है, वरना पराली से सोना बनना 2 मिनट का विषय है, आप सोच के देखिए। मगर इसके बावजूद, इतना कुछ कहने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल जी, ये पॉल्यूशन के कारण मुझे लगता है कोई बेल बज रहा है, अभी इसको ठीक किया जाएगा। मगर आश्चर्य का विषय है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो रेडीमेड फैक्ट्री का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम नहीं कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, आपने अपने इस वक्तव्य में कहा है कि आपके पास वो रेडीमेड सॉल्यूशन, आपने पूसा में, आपने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर बनाया था, ये जो सॉल्यूशन बनाया था ये इतनी सस्ती है, इसके कैन आपके घर में रखे हुए हैं, खाली बांटना है, क्योंकि मोदी जी कहीं क्रेडिट ना ले जाएं इसलिए वो बांट नहीं रहे हैं, अभी तो वो कैन आपके घर में ही है। आप वो कैन लेके उजाड़ क्यों नहीं देते हैं? आप डाल दीजिए, आपने कहा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, यही कहा था ना, 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा, फ्री में बंटवा दीजिए, इतनी सस्ती है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। देयर इज पॉल्यूशन ऑफ योर इंटेंट, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग विथ यू। आपके पास केवल पॉल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। इस पेशकश के बीच फिलहाल इतना ही, मैनू तो इजाजत, पर पंजाब अते देश दुनिया दीयां वड्डियां खबरां देखण दे लई तुसीं बने रहो एबीपी सांझा दे नाल। दिल्ली विच प्रदूषण लगातार वाधा जा रहा है, जिसनों देखते हुए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वध रहे प्रदूषण के कारण पंजवीं तक के प्रायमरी स्कूल बंद रखे जाएंगे। कल तो जाने कि दिल्ली के प्रायमरी स्कूल बंद रहेंगे। इस ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों ये भी किया गया कि पंजाब दे विच आम आदमी की पार्टी की सरकार है, इसलिए असी जिम्मेदारी लैने हैं कि पंजाब दे विच पराली साड़ी जा रही है, जिसके कारण काफ़ी प्रदूषण भी पैदा हो रहा है। दिल्ली में हवा काफ़ी खराब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है, ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता, जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हम, हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, उन सारे बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पर, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, देश गुप्ता जी कह रहे थे कि
वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनके उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। पाँचवीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं, स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगे। एनसीआर नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया। इतने रुकते हैं कि छोटी जी ब्रेक दे ली, ब्रेक दे उस पार सुनांगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।